तो यार इधर भी भांग उग रही हैं, किसी को लेनी हो तो यहाँ से ले सकता है, बहुत सारी भांग है इधर। वेलकम है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो यार अभी हम सुबह के 5 बजे हैं, तो अभी हम तो सोते जा रहे हैं, तो मेरे साथ दोनों दूर जा रहे हैं, तो अभी पुश्ते पे जाके, तो अभी हम सोचिए अपना अभियान के लिए निकल रहे हैं, और हम जाने वाले हैं जंगल के रास्ते। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया है, तो मिलते हैं जंगल के अंदर। यार देखो यहाँ पर, देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। आप हम जंगल में एंटर कर, और इधर वैसे सांप वगैरह नीलगाय, लेकिन जो सांप इधर के जंगल के हैं उनमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। ये एक स्पेशल बात है इधर पुश्ते की, तो इसलिए इधर लोग घूमने आते हैं, तो सांप मिल भी जाता तो वो कुछ नहीं करता है, तो बस वो चला जाता है अपना। अगर आप उससे कुछ छेड़ो वेड़ो ना तो वो चला जाता है अपने आप ही। अगर छेड़ दिया तो भाई आपको काट ही लेगा वो, लेकिन काट लेगा तो फिर भी कुछ नहीं होगा। और नीलगाय वगैरह है भाई, वो तो सींग मार के उड़ा देंगे, तो इसलिए उनसे तो दूर ही रहना। अगर छेड़ोगे तो भाई वो मारती, तो इसीलिए आपको उनसे दूर रहने चाहिए जो नीलगाय वगैरह होती हैं। तो अभी हम मजे लेते हैं। और तो यार इधर बाबा ने अपनी कुटिया बना रखी हुई है, बाबा यहाँ पे डेली आते हैं और बैठते हैं यहाँ पे। और अभी तो फिलहाल ही में हम सिग्नेचर पे जा रहे हैं, वहाँ पे यमुना घाट पे जा रहे हैं। तो यार देखो मोर की आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है यहाँ पे, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये ऐसी जगह नहीं मिल सकती जितनी यहाँ पे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही खुला मैदान है और कुछ किसी को रोक टोक नहीं है, कभी भी आ जा सकते उधर। यार अभी पहुँच चुके हैं जंगल में, अभी चल रहा है हमारा चमन। बारिश आई थी ना तो पेड़ गिर गए यहाँ पे, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो अभी हम इधर से यहाँ निकालेंगे। थोड़ा सा रास्ता बना रखा है, अब यहाँ से ग्लोई चालू हो गई है, ये आपको दिख रही होंगी, ये लटकी हुई ये रही। तो यार इसे ग्लो बोलते हैं, ग्लो है। और इधर बहुत सारी हैं, ये लदी पड़ी है एकदम से। हाँ चल धंधा करते हैं भाई, ये चल रहे हैं। डंडी उठा ली है, पता नहीं डंडी का क्या करेंगे, नहीं को मानने आ रहे जानवर। आज मैं मुंह धोके, मुंह धो के है ना, फिर दिखा सकता है तू कैमरे में, दिखाने नहीं देता मैं। यार बहुत दूर है अभी तो सिग्नेचर, शॉर्टकट ले रहे हैं। हाँ एक तरीके से शॉर्टकट ले रहे हैं। हाँ यहाँ से भैंस जाती है। हाँ तू भैंस से कम थोड़ी है। ओए झाड़िया एक मिनट। हाँ तो निकल गए झाड़ियों में से। अब यार आगे और है, यार अब निकल चुके हैं हम सभी जने, और जल्दी चलना पड़ेगा यार, लेट हो जाएंगे। जने कम लग रहे हैं, जने क्या होता भाई, लोग तो बताएंगे, तो जने क्या होता बताएंगे जरा। चने चने जंगल के अंदर मशरूम उग रहे थे तो हमने एक ले लिया, खाने के लिए जा रहा लालची आदमी है। तो यार देखो मशरूम अभी उग रहे हैं, बारिश के मौसम में और ज्यादा फैलेंगे। ये वहाँ पे टूटा पड़ा था तो मैंने ले लिया ये। अच्छा टूटा भाई इसने खुद हाथों से। तो यार इधर भी भांग उग रही हैं, किसी को लेनी हो तो यहाँ से ले सकता है, बहुत सारी भांग है इधर। आई साहब हम जंगल से निकलने वाले हैं और मजे लेते लेते यहाँ तक आ गए हम। तो ये देखो, तो अब यहाँ से बस एग्जिट करेंगे हम और घाट पे जाके पहुंचेंगे।
बाढ़ में आ गई थी। और ये यहाँ पे सबमरीन रखी है, तो इसके अंदर ये अतुल्य बैठ के जाएगा। और अभी तो हम निकल रहे हैं बाहर, रोड पे आ गए। ये रही हमारी सबमरीन, वैसे ऐसे टैंक रख रखे थे। तो अभी रोड पे आ चुके हम, तो रोड पे आने के बाद भी ठीक ही लग रहा है यार। जाते हैं यमुना घाट पे और देखते हैं क्या, मतलब क्या सीन है। तो यार सिग्नेचर देखो कितना मस्त, तो यार सिग्नेचर पे चलेंगे बाद में। तो इधर देखो यार बहुत ही ज्यादा कबूतर है। अबे यार उड़ गए यार। अभी हम घाट पे आ चुका है और इधर अभी सफाई कर रहे हैं सभी लोग, काफी पानी आ चुका है। तो इधर हमारे भैया भी सफाई कर रहे हैं और इन्होंने अभी कूड़ा इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, ये रहा। तो अभी सफाई करते हैं, सफाई करते करते अभी इधर लोग आते हैं तो बैठते हैं आराम से, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग आते हैं और बैठते हैं यहाँ पे, पहले इधर कोई नहीं आता था क्योंकि इधर गंदगी ज्यादा रहती थी, पूजा पाठ ऐसी करके, मतलब इधर जो दोने पत्तल हैं ऐसे पड़े रहते थे, पूजा वूजा करके लोग यहीं पीछे छोड़ जाते थे। तो यार हमने अभी इधर सफाई की है स्वच्छ यमुना अभियान की तरफ से, टीम से। तो ये जंगली जो घासें हैं हमने ये सारी हटा दी हैं। तो हमारे सभी भाई लग रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं।